क्रिकेट देखी है, खेली है, असंभव भी मिरेकल होते हैं। और एक तरह से अगर कहीं 170-180 के आसपास रोक लेते तो जोर लगा दिया, अगर विकेट विकेट गेंदबाजी करते तो एक दो विकेट आउट कर लेते अब तक। ओह, आखिरकार स्लॉट में आई है और बहुत ही बढ़िया शॉट। जिशु ने ऐसी बल्लेबाजी पिछले हफ्ते हैदराबाद में की थी और दिखाया था कि क्या टैलेंट है उनके पास। तो बीच बीच में ऐसे हिट लगे तो कुछ काउंटर पंचिंग होनी जरूरी है। आप एक ही तरह सिर्फ डिफेंड करते रहे और पंचेस खाते रहे, ऐसे क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। जी हाँ, एक फायदा है छक्का मारने का कि पावर प्ले के जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है उसका जो सवाल है वो बिल्कुल मिट जाता है इक्वेशन से। और ऐसा ही देखने को मिला था राजीव के पारी में, 15 छक्के लगाए थे। तो बड़े शॉट्स अगर आए तो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण बन सकती है, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल। रिक्वायर्ड रन रेट गेंदों पे अगर ये मैच हारेंगे तो बंगाल टाइगर्स सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर। शॉट अच्छा था लेकिन एक बंगाल टाइगर्स अभी हाल ही में 2-3 साल में उन्होंने टीम फॉर्म की है और अभी टैलेंट पूल जो है इतना फैलाया नहीं है। अभी तक प्लेयर्स जो है स्टार परफॉर्मर्स सेट नहीं हो पाए हैं, तो टेक्निकल हेल्प मिले, कोचिंग मिले तो स्तर जो है, स्टैंडर्ड जो है बढ़ जाएगा। फिलहाल ये ओवर काफी अच्छा गुजरा है, बन चुके हैं पहले 7 ओवर्स के अंदर। क्या ये ड्रॉप था, तरुण चंद्रा थोड़े से मायूस, लेकिन ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 47। जी हाँ, पोस्ट डिनर एक वॉक जरूर थोड़ा सा फायदेमंद रहता है डाइजेशन के लिए, लेकिन फिलहाल पाचन शक्ति की जरूरत है बंगाल टाइगर्स के फैंस को, क्योंकि उनके टीम के सामने करारी शिकस्त सामने दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने 256 के टारगेट को बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि 20 ओवर हमें जरूर खेलने हैं। बेहतरीन, दूसरा छक्का और इस बार इंद्राशीष कहना पड़ेगा हिज स्ट्रगल हैज कम टू एन एंड। पर कई बार होता है आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप लगातार बड़े शॉट के चक्कर में हैं, आप नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो ये 255 का जो प्रेशर है आज उसके चलते हुए बल्लेबाजी नहीं कर पाए। तो चलिए, ध्रुव को दूसरी विकेट मिली और नए बल्लेबाज है राजा। 3 ओवर में 47 रन दिए थे उन्होंने, बहुत जम के उनकी धुनाई की गई थी, खासकर उनके आखिरी ओवर में 24 रन और वो आए इस वजह से। सुदीप के बहुत करीब से बॉल गई है, कई बार बेल पे लग के डिफ्लेक्ट हो जाता है और पिछले मैच में मैंने देखा था अच्छा खासा क्या उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। आज राजा का दिन लगता नहीं मुझे, गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद जो है बहुत मार पड़ी आज, और बल्लेबाजी में अब प्रेशर ये है कि उनको और चेन्नई राइनोज में से एक होगी। बहुत ही ग्रेसफुल स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे, सकते हैं थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन अच्छा थ्रो था जिसे सुदीप ने बखूबी स्टंप्स में परिवर्तित कर दिया। और क्या सोच रहे थे राजा, वो भी शहर के लिए निकल पड़े थे। मैंने आपको कहा था कि आज दिन नहीं है उनका, समझ नहीं आ रही, बेचारे बहुत खिसियाए हुए हैं क्योंकि डांट पड़ रही है उनको अब यीशु से, कप्तान से, कि क्या क्या कर रहे थे आप, कहाँ आ रहे थे आप। और थ्रो भी देखिए, यही बात है कि आउटफील्डिंग भी बहुत जबरदस्त है, तो दोनों टीमों के स्तर में बहुत फर्क है। सुदीप ने बहुत बढ़िया गैदर किया, देखिए कॉफी बुक स्टाइल, और बिल्कुल क्लब्स के साथ उड़ा दिया, कोई मौका नहीं दूर से, पर एम्पायर सेफ आजकल प्ले करते हैं तो थर्ड एम्पायर का सहारा जरूर लिया और ठीक बात है। तो अब मुझे लगता है कि ध्रुव के पूरे 4 ओवर्स की आखिरी गेंद, एक सक्सेसफुल ओवर की समाप्ति और पतन जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं खेलने के लिए और उम्मीदें तो जीतने के बहुत कम। गुड डेलिकेट टच, नीडेड अ बेटर थ्रो, अच्छा थ्रो होता तो यहाँ पे जरूर रनआउट का मौका बन सकता था। बहुत अच्छी कोशिश सुदीप की, ये था पिछले ओवर में जो रनआउट हुआ, बहुत बढ़िया शॉट जीशु का, वेरी ग्रेसफुल, और मना भी किया उन्होंने कप्तान ने, पर राजा का आज मूड नहीं था सुनने का किसी की, बिल्कुल दूर से पहुंच नहीं पाया। थ्रो बहुत बढ़िया, वन बाउंड जब थ्रो जाती है
और ये देखिए जिशु ने कहा क्या कर रहे हो, शॉक्ड। कहीं गम कहीं खुशी, यही है जिंदगी और क्रिकेट का दस्तूर। जिशु कप्तान ने कुछ बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाए हैं लेकिन कोई फिर से कोई मोमेंटम नहीं मिलती हुई इस इनिंग्स में। एक ही छक्का लगाया उन्होंने और बिल्कुल शुरुआती कुछ ओवर्स में जॉय ने एक चौका मारा था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है इस पूरे पारी में। और नौवे ओवर में हम देख रहे हैं बंगाल टाइगर्स को। एक और बड़े स्ट्रोक का अटेम्प्ट और तरुण सुधीर के लिए खुशी क्योंकि पहली ओवर में स्ट्राइक कर लिया है कप्तान जिशु को, डिसमिस करने में कामयाब। अच्छा एक आसान कैच लेकिन वेल जज्ड। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी पिछले मैच में भी सुधीर ने, जिशु थोड़े निराश हैं पर यही सही था एक नजरिया कि आप रन बनाने की कोशिश तो करें। पूरे 20 ओवर अब खेल के अगर आप लंबी दूर से आउट हो जाएंगे और हार जाएंगे तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आसान सा कैच, तो ये टीम बड़ी जबरदस्त लग रही है इस समय कनाडा बुलडोजर्स। चौथा विकेट गिर चुका है, मुसीबत में है बंगाल टाइगर्स। यूसुफ अब बल्लेबाजी करने आए हैं और हमारे कमेंट्री बॉक्स में तो चलिए कुछ हलचल जरूर हुई है। अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हूँ अतुल वासन और मेरे साथ भारतीय क्रिकेट के लेजेंडरी विकेट कीपर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी मौजूद है। बहुत कम लोग मेरा सही नाम प्रोनाउंस करते हैं अतुल, इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलते हुए, आप लोग से मिलते हुए, क्योंकि आप लोग हर वक्त कहीं ना कहीं नज़र आते ही रहते हैं मुसलसिल तौर से, तो आमने सामने मिलने से बहुत अच्छा। चलिए आपके शहर में आए किरी भाई और ये क्रिकेट तो हर तरह की है और यहाँ माहौल जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अपना ही है मज़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर लिहाज से जो भी क्रिकेट खेली जाए चिन्नास्वामी स्टेडियम या कर्नाटका में जो रेस्पॉन्स दर्शकों से मिलता है शायद ही कहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा, आज आपने पहले कर्नाटका बुलडोजर्स की बल्लेबाजी मिस कर दी, आज बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस देखी हमने और ये ओवर समाप्त हुआ 9 ओवर के बाद 54 पे 4। कोई बात नहीं,